क्वेश्चन है, देयर इज अ सिस्टम ऑफ टू परपेंडिकुलर रोड्स ईच ऑफ लेंथ एल एंड मास एम, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कंसीडर ओ इज रेफरेंस, दैट इज द रेफरेंस, और हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं सेंटर ऑफ मास के क्या होंगे। तो इस रोड का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारे पास m बाय टू एंड l बाय में टू, और ये क्या हो जाएगा m बाय टू l बाय टू, और इस रोड का क्या हो जाएगा इधर ये क्या हो जाएगा हमारे पास m बाय टू और l बाय टू, ये भी m बाय टू और l बाय टू। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा कम्बाइंड जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कम्बाइंड सेंटर ऑफ मास। तो इस केस में अगर ये क्या हो गया अब हमारा कम्बाइंड सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो x कितने चले हम l बाय टू और क्या हो गया यहाँ पहुंच गए, और y कितने चले हम ये कितने हो जाएगा हमारे पास l बाय में फोर, ये भी कितना हो जाएगी l बाय में फोर। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कम्बाइंड के कितने हो जाएंगे x एक्सिस का क्या हो गया l बाय टू और y कितना हो जाएगा हमारे पास l बाय फोर। तो दैट इज द आंसर l बाय टू एंड l बाय, पहले तो हमने दोनों के अलग अलग सेंटर ऑफ मास लिए, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे l बाय टू एल बाय टू हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे l बाय टू एल बाय टू होगा, दोनों का कम्बाइंड क्या होगा यहाँ पे तो x एक्सिस का तो l बाय टू ही रहेगा, y एक्सिस का क्या होगा l बाय फोर, जाते हमारे पास क्या आ जाएगा l बाय टू का हाफ, तो यानी कि l बाय फोर जाते ही सेंटर ऑफ मास आ जाएगा।